क्या आपको पता है कि भारत में चीता आधिकारिक रूप से ना पूरी तरह से विलुप्त जानवर, और अब हमारे देश में एक भी चीता नहीं पाया था। पर आप जानकर हैरान हो जाओगे ना कि भारत में एक समय ऐसा था जब यहाँ के जंगलों में चीता भर भर के पाए जाते थे हजारों की संख्या में, है ना। बट क्या हुआ ना कि उस समय जो लोग रहते थे ना वो इन चीतों का को पूरी तरह से ट्रेंड करके ना कुत्तों की तरह इस्तेमाल में लेते थे, जिससे पकड़ने के दौरान बहुत सारे चीतों की मौत हो जाती थी। इसके अलावा उस समय इन चीतों का बहुत तेजी से ना शिकार हो रहा था, ठीक है, जो बाद में इनकी विलुप्ति का बहुत बड़ा कारण बना। और इन रिकॉर्ड 1948 में सरगुजा के जो महाराजा थे ना, किंग रामानुज प्रताप सिंह, उन्होंने भारत के आखिरी तीन चीतों का शिकार कर लिया, जिसके बाद 1952 में भारत सरकार ने ऑफिशियली यह स्टेटमेंट जारी किया कि हिंदुस्तान में अब एक भी चीते नहीं बचे हैं और इसे पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दिया गया। बट आपको जानकर यह खुशी होगी ना कि हिंदुस्तान में एक बार फिर से इन चीतों को बसाने की पूरी तैयारी चल रही है, और कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बसाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से ना पूरे एक दर्जन चीते यहां लाए जा रहे हैं।